आईटीआई डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको ऑयल टेस्टिंग सेट से ट्रांसफार्मर ऑयल की जांच करना सिखाएंगे। ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करके आप ऑयल की जांच करते हैं। तो ये है ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग सेट। इस टेस्ट को बोलते हैं बीडीवी टेस्ट, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। तो ये है आपका टेस्टिंग सेट। इस टेस्टिंग सेट के अंदर देखो, सामने आओ, वेरिएक वेरिएक की रेंज कितनी है, 0 से 260। इसको अपन देते हैं सिंगल फेज सप्लाई और इसके अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग और लगी हुई है। वेरिएक का काम है सिंगल फेज सप्लाई को कम ज्यादा करना। ज्यादा का मतलब 260 से ज्यादा नहीं कर पाएगा। ये 0 से अपन 240 दे रहे हैं तो 240 से कम ही करता है, ठीक है। कम को 240 से 40 तक बढ़ा देगा। इसके अलावा तीन इसमें इंडिकेटर हैं, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन इंडिकेटर इसमें सप्लाई ऑन करते ही ग्रीन इंडिकेटर जल जाएगा, साथ में अगर वेरियक इससे कनेक्टेड है तो वेरियक, और सेकेंडरी वाइंडिंग अगर चालू होती है तो सेकेंडरी वाइंडिंग का ये इंडिकेटर होता है, ठीक है। एक होता है इसमें ये टॉगल स्विच जो इसको ऑन ऑफ करेगा। इसके बाद में एक HT ऑफ स्विच होता है, एक HT ऑन होता है, एक होता है फ्यूज और ये है अर्थिंग पिन, ठीक है। क्या है, एक तो वेरियक, तीन इंडिकेटर है इसमें। ये सप्लाई ऑन होते ही, मेन ऑन होते ही, ये वेरियक ऑन होता है, ये HT ऑन होगा तब जलेगा, ठीक है। HT का मतलब है हाई वोल्टेज साइड। हाई वोल्टेज साइड की ये रेंज कितनी होती है, 60 किलो वोल्ट। कितनी, 240 वोल्टेज देंगे अपन तो ये 60 किलो वोल्ट में बदल देगा, बढ़ा देगा। तो इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप का। अब देखो इसके अंदर ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। इस सेकेंडरी वाइंडिंग के दोनों जो टर्मिनल निकले हैं इनमें लगाया जाता है ये टेस्टिंग सेट ऑयल सेट। इसमें होते हैं दो इलेक्ट्रोड। कितने, दो इलेक्ट्रोड। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच अपन 1 mm से 4 mm तक क्या रख सकते हैं, गैप रख सकते हैं। और इसमें गैप है, इसमें 1 mm का गैप, ठीक है। तो गैप क्यों रखा जाता है, आपकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो किस में मापी जाती है, किलो वोल्ट प्रति mm के अंदर। तो अपन 1 mm का देखेंगे, ठीक है। 1 mm रख लिया, दोनों इलेक्ट्रोड हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या कर दिया, सेकेंडरी वाइंडिंग साइड में कनेक्ट कर दिया। सेकेंडरी वाइंडिंग के सीरीज में एक पुश बटन स्विच होता है। ये पुश बटन स्विच अपन इस ढक्कन लगा देंगे इस पर तो ये ऑन हो जाएगा। अगर ढक्कन ओपन रहेगा, खुला रहेगा तो ये स्विच भी ओपन रहेगा, सर्किट खुला रहेगा। तो इसको दबाना है और ढक्कन को कस देना है, आपका स्विच भी ऑन हो गया, ठीक है। अब देखो इसको सप्लाई से कनेक्ट करने से पहले आपको अर्थिंग पिन को अर्थिंग वायर से कनेक्ट करना है। ये अर्थिंग वायर है अपने पास जो सभी मोटर अर्थिंग की हुई है, इससे कनेक्ट कर देना। क्यों, क्योंकि ये हाई वोल्टेज जनरेट करेगा 60 किलो वोल्ट तक। 60 किलो वोल्ट तक है तो इसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट या कोई फॉल्ट होता है तो ये अर्थिंग से कनेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। अब इसको अपन सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। ये आपके पास सिंगल फेज सप्लाई का बोर्ड आ गया। अब इसमें दो इंडिकेटर जल गए, कौन कौन सा, मेन और वेरियक वाला, क्योंकि वेरियक में जा रही डायरेक्ट सप्लाई। अब देखो इस वेरियक के बाद में अपन स्विच दबाएंगे तो HT ऑफ का हो गया, ए ऑन का हो गया। HT में ऑन करूंगा तो ये जल गया, अगर ऑफ करना हो तो ऑफ हो गया। अब HT ऑन करना है आपको, साइड ऑन हो गई, अगर मैं इस ढक्कन को खोल दूं तो ये क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उस साइड में सप्लाई नहीं जाएगी, होगी क्योंकि वो लूज हो गया, ठीक है। अब इसको वापस कसना है, HT करना है ऑन, ठीक है। अब ये वेरियक है, वेरियक को आराम से घुमाना है, मतलब 1 किलो वोल्ट से 3 किलो वोल्ट प्रति सेकंड के हिसाब से आराम आराम से इसको बढ़ाते रहना है। अब यहां से आप वोल्टेज बढ़ाओगे, अभी 0 पे सेट है तो 20 30 40 50 60 70 80 ये वोल्टेज में, ये 100 110 120 50 और ये 240 260
अधिकतम, लेकिन 260 तो सप्लाई नहीं जा रही इसमें, इसकी रेंज है 260 तक की। अब इसको मैं आराम आराम से घुमाऊंगा तो ये वेरियक से तो सप्लाई गई एचटी साइड में, अब इसको बढ़ाएंगे अपन आराम आराम से बढ़ाएंगे। अब ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो इस ऑयल की जहां तक की इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, इसकी कैपेसिटी है, वहां तक तो ये चलता रहेगा। एक कंडीशन ये रहेगी कि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है और वो चालक की तरह काम करने लग जाता है, क्योंकि अचालक क्षमता घट जाएगी उसकी। तो वहां दो इलेक्ट्रोड थे ना, दो 1 mm वाले, उनके बीच में की स्पार्किंग उत्पन्न होगी। स्पार्क होते ही क्या हो जाएगी, वो रिले लगी हुई है एचटी साइड को ऑफ कर देगी और आपकी ये रीडिंग यहीं की रुक जाएगी। तो रीडिंग है आपको 35 किलो, मतलब 33-35 किलो वोल्ट से ऊपर इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए ऑयल की, तब तो आपको ट्रांसफार्मर में काम में लेना है, नहीं ये खराब हो चुका है। ठीक है, खराब क्यों होता है ट्रांसफार्मर ऑयल, क्योंकि नमी के कारण उसकी अचालकता क्षमता घट जाती है। हमें बढ़ाऊ धीरे धीरे, अब देखना इसके अंदर स्पार्किंग होगी, कंडीशन में हो गई, हो गई ये किस पे, देखो ये रुक गई ना सुई, ये 21 पे रुक गई। ठीक है, 21 पे रुकी ना, तो 21 किलो वोल्ट प्रति एमएम है उसकी रेंज। तो ये अपना ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल काम में लेने योग्य नहीं। ठीक है, हाँ 30 से 35। अब इसको वापस जीरो करो, अगर दोबारा चेक करना हो आपको तो एचटी को ऑन करो और दोबारा वही प्रोसेस अपनानी है, धीरे धीरे बढ़ाओ। इसको जल्दी मत करना ना, आराम आराम से हो गई ना वो ट्रिप, हो अब उसको बुलाओ अगले बैच को।